भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने शनिवार को दिल्ली में अपनी पहली मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में सेना को लेकर अपनी दूरदर्शिता को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेना में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि तादाद पर, फिर चाहे सेना के लिए उपकरण खरीदना हो या फिर जवानों की भर्ती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें भविष्य के लिए जवानों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा। पहले की तुलना में आज सेना और ज़्यादा बेहतर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना अध्यक्ष नरवरे ने कहा कि प्रशिक्षण का फोकस भविष्य के युद्धों के लिए सेना को तैयार करने पर होगा, जो नेटवर्क केंद्रित और जटिल होगा। ये वही जगह है जहां हमारे प्रशिक्षण का जोर होगा। हमारा ध्यान सेना के भीतर और सभी सेवाओं के बीच एकीकरण पर होगा। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जनरल नरवरे ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और सैन्य मामलों के विभाग का निर्माण एकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम है, और हम अपनी ओर से यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सफल रहे। सेना के रूप में हम भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, और हमें हमारे कार्यों के प्रति मार्गदर्शन करता है संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारा मार्गदर्शन करते हैं।